इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल शर्मा। अनिल जी आपका स्वागत है इंडिया न्यूज। धन्यवाद अनिल जी। क्या कहना, आप पहले भी इसी सीट से विधायक रहे, पहले आप कांग्रेस से विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी में है, बीजेपी के लिए आप वोट मांग रहे हैं, बीजेपी के निशान पर आप वोट मांग रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स आपको जनता से मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है जी। जो कांग्रेस में हमारे साथ जो लोग थे, लगभग 80-90% लोग जो हैं वो कांग्रेस छोड़ के हमारे साथ चले हैं जी। एक हमारा परिवार है जो पंडित सुखराम जी के साथ चलता है, आज वो परिवार हमारे साथ चला है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, आज वो मेरे साथ चले हुए हैं, तो एक बहुत बड़ा परिवार आज भारतीय जनता पार्टी का बन गया है, और इसलिए हम गांव में भी अच्छा देखते हैं, शहर में भी अच्छा रिस्पांस देख रहे हैं। क्या बड़ा मुद्दा अनिल जी आप जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं? मुद्दे हमेशा विकास के होते हैं जी। चाहे वो शहर का हो चाहे गाँव का होता है, और हमारा क्योंकि बहुत लंबा हमारा राजनीतिक जीवन रहा है, मेरे पिताजी का और हमारे परिवार का, और हमारा हमेशा से जो विकास ही मुद्दा रहा है, और विकास के नाम पे ही हम चुनाव लड़ते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं और इन मुद्दों को लेकर चलते हैं। अनिल जी, अगर मंडी सदर की बात करें तो मंडी सदर की जो सियासी जमीन है उस पर कमल का फूल खिलने के लिए फर्टाइल नहीं मानी जाती, उपजाऊ नहीं मानी जाती है सदर की सीट, ऐसे में आपको क्या लगता है कि आप इस बार कमल का फूल इस जमीन पर खिलाएंगे, क्योंकि सिर्फ 2.5 साल यहाँ पर बीजेपी का विधायक रहा है कभी भी? बिल्कुल आपने ठीक कहा है जी। क्योंकि अधिकतर मेरे पिताजी यहाँ से विधानसभा में लड़ते रहे और मैं भी लड़ता रहा, तो जब हम लड़ते रहे तो कमल फूल नहीं खिला जी। अब हम लड़ रहे हैं तो कमल का फूल खिलेगा जी। बिल्कुल भाई 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 भाई। अगर कांग्रेस की बात करें तो आपको आप किस तरह से देखते हैं, जो कांग्रेस ने आपके खिलाफ उम्मीदवार उतारा है, क्या कुछ कहना है? वो लगातार आप पर सियासी हमले कर रहे हैं और आपकी पूरी सियासत पर वो लगातार शब्द बाण छोड़ रहे हैं, क्या कुछ कहना है आपका? चुनाव है, चुनाव में शब्द बाण छोड़े जाते हैं और हम भी जवाब देते हैं उनका, तो इसलिए हमें लगता नहीं कि वो अपनी तरह से करना चाहते, क्योंकि हमने जो आत्म सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस के अंदर, आत्म सम्मान की वजह से जो मेरे पिताजी के साथ घटनाएं घटी हैं, कांग्रेस ने जिस तरीके से उनके साथ जो है घटना घटी, उसके बाद ही हमने आत्म सम्मान के लिए कांग्रेस छोड़ी है। बिल्कुल आपके साथ यहाँ पर मंडी जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ के सांसद राम स्वरूप जी भी मौजूद हैं, लेकिन अब ये बताइए, आपने कहा कांग्रेस इसलिए छोड़ी, वहाँ पर सम्मान नहीं मिल रहा था पंडित सुखराम जी को, उनका अपना एक सियासी कद है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, तो अब इस पार्टी में वो मान वो सम्मान वो सब मिल रहा है? देखिए ऐसा है कि हमने 5 साल जो है गठबंधन में काटे हैं, पहले जी भारतीय जनता पार्टी के साथ 5 साल हम सरकार में रहे हैं जी। ये पहला एक्सपीरियंस नहीं है हमारा जी। यदि पहला एक्सपीरियंस हो तो सोचते हम कैसे इस परिवार में जाएंगे जी। तो पहले भी धूमल जी के साथ जो हमने 5 साल जो है गठबंधन की सरकार चलाई है, मैं उस टाइम राज्यसभा का सांसद रह चुका हूँ, तो इसलिए मैं एनडीए के बीच में हम रह चुके हैं जी। तो हमारा जो बातचीत है, प्यार है, वो पहले से बना है जी। और इसी में हमें लगता नहीं कि हमें इस परिवार में कोई आत्म सम्मान की बात आएगी जी। अनिल जी, एक और जो जहन में सवाल आता है बड़ा महत्वपूर्ण, वो ये कि जैसे बीजेपी में कई छोटे छोटे संगठन है, आनुषांगिक संगठन है, छोटे बड़े संगठन है, मजदूर संघ है, विद्यार्थी परिषद है, संघ है, इन तमाम संगठनों से कोऑर्डिनेशन आपको बताइए, क्योंकि राम स्वरूप जी ने तो एक लंबा अरसा देखा है इस कोऑर्डिनेशन का, आपका क्या कहना है? हाँ, ये सचमुच में हमारे लिए एक अजीब सा एक्सपीरियंस है जी, क्योंकि कांग्रेस में हम ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे हम बहुत कम है, हमें कभी बूथ स्तर की कमेटी भी हमने नहीं बनाई हुई है, परंतु भारतीय जनता पार्टी में बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइज पार्टी है। ये पहली बार मुझे जब मैं इसमें शामिल हुआ हूँ, अभी हाल में अभी 8-10 दिन मुझे हुए हैं, तो लगता है कि ऑर्गेनाइज पार्टी है, ऑर्गेनाइजेशन इसमें है और संगठन चलाने का तरीका इनके साथ है, तो एक्सपीरियंस धीरे धीरे मैं सीखूंगा इस बात को भी, और जैसे ऑर्गेनाइजेशन चलेगी उसको चलाने का हम प्रयास करेंगे। बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, बड़ी दिलचस्प तस्वीर है ये, देखिए सांसद राम स्वरूप शर्मा साहब अनिल शर्मा जी के साथ घूम रहे हैं और इनके लिए मतदान की अपील भी करें। राम स्वरूप जी बताइए, 2014 का चुनाव प्रचार और इस बार का चुनाव प्रचार बड़ा अंतर है, उस वक्त अलग तरह की तस्वीर थी, तो क्या कहना है आपका, ये अनुभव कैसा है? बिल्कुल अच्छा अनुभव है, इससे पहले ये अनुभव उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में भी अपनाया गया और जैसा वहां सफल रहा वैसा इस छोटी काशी मंडी में भी सफल रहेगा जी। तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि ठीक है अनिल जी ने जो काम किया, विकास किया, वो ये अपने विकास का मुद्दा लेकर जा रहे हैं, लेकिन आपकी साख भी कहीं ना कहीं दांव पर है, क्योंकि आप भी सांसद हैं इस क्षेत्र से, जनता आपसे भी सवाल पूछ रहे कि आपने क्या किया अब तक के कार्यकाल में। देखिए ये जो 2014 का चुनाव था, यहाँ बढ़त मिली थी 65 वोटों की जी। तो छोटी जी 2014 में 65 वोटों की बढ़त राम स्वरूप जी को यहाँ से मिल गई थी, बताइए।
बिल्कुल मोदी जी की लहर थी और मोदी की लहर 6500 जी जी मोदी जी की लहर थी और आज भी लहर बरकरार है जी बताइए। तो 6500 वोटों की बढ़त मिली थी, जनता पूरी उसी समय से मोदी जी के साथ खड़ी है। और जो विकास के काम हुए हैं केंद्र की योजना के द्वारा और अनिल शर्मा जी के प्रयत्न थे, हिमाचल सरकार में मंत्री रहते हुए जो योजना इनके दिल्ली बनाकर भेजी, आज करोड़ रुपए मंडी के लिए आया, चाहे पुल का निर्माण हो चाहे टूरिज्म का वास्ते अलग करोड़ रुपए की राशि आई है, पूरी इस छोटी काशी मंडी को सजाने संवारने के लिए केंद्र की योगदान और इनके प्रयत्नों को इकट्ठा देखा जा रहा है। और आपने जो आपके संगठन की नाराजगी थी वो दूर हो गई? देखिए, जब पार्टी निर्णय करती है तो नाराजगियां रहती हैं, लेकिन पार्टी ने निर्णय किया और सबने स्वीकारा है, सांसद के नाते मैंने भी स्वीकारा और अन्य कार्यकर्ताओं ने भी स्वीकारा है। छोटी मोटी नाराजगी चलती रहती है, लेकिन हिमाचल में सरकार बनाने की नीति है, इस देश को कांग्रेस मुक्त बनाने की योजना है। माननीय प्रधानमंत्री कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त हिमाचल और सबका साथ सबका विकास। आपको लगता है इस बार आपका सपना पूरा होगा मंडी सदर में कमल का फूल खिलाने का? बिल्कुल बिल्कुल, पहले भी खिला था और आगे दोबारा। पहले तो बहुत पहले खिला था, अब तो लोग भूल भी गए कि कभी खिला भी था या फूल या नहीं। नहीं नहीं, वो याद रखते हैं। और अभी पार्लियामेंट तो 2.5 साल के लिए खिला था, फिर मुरझा गया था साहब। लेकिन पार्लियामेंट चुनाव में बड़े जोरदार ढंग से खिला था और अब अनिल शर्मा जी हमारी पार्टी में आए हैं, अब एक कमल बिल्कुल डबल तरीके से खिलेगा। राम स्वरूप जी का कहना कि इस बार बहुत बड़े स्तर पर कमल का फूल खिलेगा। अनिल जी, का आखिरी सवाल आपसे, प्रेम कुमार धूमल को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया, क्या कहना आपका इससे? आपको लगता है कि पूरी पूरे प्रदेश में कैंपेन में कोई ऊर्जा बनी हो, कोई मोमेंटम बनाओ, क्या कहना आपका? पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा प्रेम कुमार धूमल जी को कि उन्हें जो है इसके जो मुख्यमंत्री के लिए घोषित किया गया है। और सचमुच में, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न आता था कि बिन दूल्हे के बारात है जी। तो अब दूल्हा मिल गया है, अब रात सजी हुई है जी। तो इसलिए जो है मैं बधाई देना चाहूंगा कि अब भारतीय जनता पार्टी को और जो है ज्यादा जो है सीटें आएगी, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, तो अनिल शर्मा इसी तरह से प्रचार के लिए आगे बढ़ रहे हैं और इनका ये कहना है कि इस बार मंडी सदर में जबरदस्त तरीके से जीत दर्ज करेंगे। राम स्वरूप जी भी इनके साथ हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार मंडी की सियासी फिजा बदली हुई है और भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है, सालों पुराना सपना मंडी सदर में कमल का फूल खिलाने का, वो पूरा होता है। किस तरह से पूरा होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प है।